इतने ठुमकों के लिए फेमस है, आपकी जो कोरियोग्राफी है वो सबको इतनी पसंद आती है, जुल्मी की कोरियोग्राफी सबको इतनी पसंद आई है, तो आपका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेसिकली जब फिल्म आई थी, विश्वास जी ने मुझे पूरी फिल्म नरेट की थी, मतलब फर्स्ट ऐसी एक फिल्म है जो मुझे गाने करने से पहले पूरा नरेशन दिए थे विश्वास जी ने कि किस तरह से इसके गाने होंगे, और हर गाने के पीछे मुझे रोका गया कि नहीं 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 ये बॉलीवुड मसाला टाइप की फिल्म, इसको जो थोड़ी सी लगेगी इसको रोको। तो विश्वास जी का बहुत बड़ा हाथ है सब गानों के पीछे, और जब मैं इसके आप जब सब गाने देखेंगे तो थोड़े अलग है, ज़्यादा जैसे मैं गाने करता हूँ झटके मटके वाले एकदम जो होते वैसे नहीं, थोड़े से इसमें हम लोगों ने कोशिश की अलग ट्रैक, मेरे गाने नहीं है बेसिकली, मैंने कोशिश की कुछ अलग करने के लिए, तो और क्या कहूँ सब विश्वास जी का हाथ है इसमें। आपके बहुत बड़े फैंस हैं, आई मीन है कि नहीं, जितने भी हैं सबके सब आपके बहुत बड़े फैंस हैं, और आपका डांस तो मेरे से ज्यादा तो लगता है योगेश भाई के फैन हैं आप क्योंकि जब से योगेश भाई के पीछे पड़े सब, खास करके हमारे दोस्त मीडिया वाले बेचारे क्यों योगेश भाई के पीछे पड़े हुए अभी जब हमारे साथ इतने बड़े स्टार मौजूद है स्टेज पर, और इतना अच्छा गाना भी हमारे पास है, और इतने अच्छे ठुमके भी उसमें है, तो क्यों ना हम इनसे कहे कि एक दो ठुमके लगा दे, ऑडियंस है ना, एक थोड़ी नहीं, इसके जगह दिल की ट्रेन लगा दीजिए, वो कर लेता हूँ। चलो दिल की ट्रेन, ऑडियंस आर यू एक्साइटेड फॉर दिस परफॉर्मेंस एवरीवन? ऑलराइट, सो क्या हम दिल की ट्रेन बजा सकते हैं? हाँ क्या योगेश जी को बुलाओ, सेम योगेश भाई आ जाए, पारस आ जा, पारस इसका, पारस ने बहुत मेहनत की गाने के पीछे, बहुत ही सिंसियर लड़का है, और जब मैंने इसको सिखाना चालू किया पहले तो मैंने देखा बोला कैसे करेगा, उसके बाद जब इसने रिहर्सल की तो बहुत ही कमाल किया, बहुत ही मेहनत की, और वाकई हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट था वो शूटिंग करना, गोरेगांव में हम लोग ओरिजिनल रेलवे प्लेटफॉर्म पर शूट करते, तो विश्वास जी थे, और मतलब कम से कम दोनों तरफ से ट्रेन चल रही थी।